हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। आज 19 फरवरी 2019 वार मंगलवार की हम बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई बेस्ड इंटरनेशनल कूलिंग प्रोवाइडर नेशनल सेंट्रल कूलिंग कंपनी पीजेएससी एंटर्ड इनटू ए 30 ईयर कंसेशन विद आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम इन अमरावती। संयुक्त अरब अमीरात आधारित अंतर्राष्ट्रीय शीतलन प्रदाता नेशनल सेंट्रल कूलिंग कंपनी ने आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ अमरावती में भारत का पहला जिला शीतलन प्रणाली बनाने के लिए 30 वर्ष के समझौता में प्रवेश किया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जेपी मॉर्गन रोल्ड आउट द फर्स्ट यूएस बैंक काउंटर क्रिप्टो करेंसी। द करेंसी इज डिजाइन टू बी डिसेंट्रलाइज्ड सो दैट नो वन हैज कंट्रोल अवर ट्रांजैक्शन बीइंग सेंट अवर द नेटवर्क। क्रिप्टो करेंसीज आर यूज्ड successfully to move money between the bank and a client, which usually runs on a blockback chain technology. The cryptocurrency called JPM coin. JP Morgan ने पहला अमेरिकी बैंक क्रिप्टो करेंसी रोल आउट किया है। इस मुद्रा को विकेंद्रीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि नेटवर्क पर होने वाली लेन देन पर किसी का भी नियंत्रण न हो। क्रिप्टो करेंसी जिसे जेपीएम कॉइन कहा जाता है। नेक्स्ट है अवार्ड्स पुरस्कार। सुनील छेत्री द ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल फुटबॉल हैज बीन कन्फर्ड द फर्स्ट एवर फुटबॉल रतन ऑनर बाय फुटबॉल दिल्ली। द एसोसिएशन गवर्निंग द स्पोर्ट इन दिल्ली ही इज पॉपुलरली नॉन एज कैप्टन फंटास्टिक। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में भारत के लिए सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर सुनील छेत्री को दिल्ली में खेल का संचालन करने वाली संस्था फुटबॉल दिल्ली द्वारा पहली बार फुटबॉल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, ईवा डे गोड फ्रॉम नीदरलैंड एंड आर्थर वान डोरेन ऑफ बेल्जियम वर टाइटल्ड द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर्स ऑफ द ईयर फॉर 2018। नीदरलैंड्स की ईवा डी गोएड और बेल्जियम के आर्थर वान डोरेन को 2018 के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। नेक्स्ट, सूडानीज रिफ्यूजी अब्दुल अजीज मोहम्मद हु स्पेंट 5 years इन द ऑस्ट्रेलियन डिटेंशन सेंटर ऑन मानुस आइसलैंड इन पपुआ न्यू गुआना वाज गिवन द मार्टिन एनेल्स अवार्ड 2019 इन जिनेवा स्विट्जरलैंड फॉर एक्सपोजिंग द वेरी क्रूल असिलम सीकर पॉलिसी ऑफ द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। पापुआ न्यू गिनी में मानुस द्वीप पर ऑस्ट्रेलियाई निरोध केंद्र में 5 वर्ष बिताने वाले सूडानी शरणार्थी अब्दुल अजीज मोहम्मद को
ऑस्ट्रेलियाई सरकार की बहुत क्रूर शरण साधक नीति को उजागर करने के लिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में मॉर्टिन एनल्स अवार्ड 2019 दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमिक न्यूज, बैंकिंग एवं वाणिज्य समाचारों की। इंडिया विद इमीडिएट इफेक्ट हैज बूस्टेड द कस्टम्स ड्यूटी ऑन ऑल द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टू 200% फॉलोड बाय द डे आफ्टर इंडिया रिपील्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN स्टेटस फ्रॉम पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने के अगले दिन पाकिस्तान से आयात होने वाले सभी सामानों पर तत्काल प्रभाव से 200% सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेट्स 10,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF बाई एडिशनल ऑफरिंग। द गवर्नमेंट हैज एब्जॉर्ब्ड अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ रुपीज बाई वे ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट विद द सक्सेसफुल ऑफरिंग ऑफ भारत 22 ETF। भारत सरकार को अतिरिक्त पेशकश द्वारा भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF से 10,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। सरकार ने भारत 22 ETF की सफल पेशकश के साथ विनिवेश के माध्यम से लगभग 4,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI विड्रॉ द 20% लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बाई FPIs इन कॉरपोरेट बॉन्ड्स ऑफ एन एंटिटी विद ए व्यू टू एनकरेज मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अधिक विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक इकाई के कॉरपोरेट बॉन्ड में FPI द्वारा निवेश पर 20% की सीमा को वापस ले लिया है। आइए बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की। विदर्भ बिकम द ओनली थर्ड टीम इन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट हिस्ट्री आफ्टर बॉम्बे एंड कर्नाटका टू डिफेंड दियर ईरानी कप टाइटल एट जमथा स्टेडियम इन नागपुर बाय डिफीटिंग रेस्ट ऑफ इंडिया। विदर्भ रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर भारतीय घरेलू क्रिकेट इतिहास में नागपुर के जामथा स्टेडियम में अपने ईरानी कप खिताब की रक्षा करने वाली बॉम्बे और कर्नाटक के बाद केवल तीसरी टीम बन गई है। नेक्स्ट, वेस्ट इंडीज बैट्समैन क्रिस गेल हैज अनाउंस्ड दैट ही विल रिटायर फ्रॉम वन डे इंटरनेशनल्स आफ्टर द फोर्थ कमिंग वर्ल्ड कप। द 39-year-old लेफ्ट हैंडर हैज स्कोर्ड 9,727 वनडे रन्स, सेकेंड ओनली टू द लीजेंडरी ब्रायन लारा अमोंग वेस्ट इंडियंस इन 284 मैचेज। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल ने घोषणा की है कि वह आगामी विश्व कप के बाद वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लेंगे। 39 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 288 एक दिवसीय मैचों में 9,727 रन बनाए हैं, जो वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा के बाद दूसरे सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट, इन बैडमिंटन सायना नेहवाल वॉन हर फोर्थ टाइटल एट द योनेक्स सनराइज 83rd सीनियर नेशनल्स। सी डिपीटेड PV सिंधु इन द फाइनल्स इन गुवाहाटी। सौरभ वर्मा कंप्लीटेड ए हैट्रिक ऑफ टाइटल्स क्लेमिंग द मैन सिंगल्स क्राउन आफ्टर डिफीटिंग यंग लक्ष्य सेन इन स्ट्रेट गेम्स। बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने योनेक्स सनराइजर्स 83वें सीनियर नेशनल में अपना चौथा खिताब जीता। उसने गुवाहाटी में फाइनल में PV सिंधु को हराया। सौरभ वर्मा ने खिताब की एक हैट्रिक पूरी की है, जिसमें उन्होंने सीधे गेमों में युवा लक्ष्य सेन को हराकर पुरुष एकल का खिताब हासिल किया है। आइए बात करते हैं डिफेंस न्यूज रक्षा समाचारों की। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हीना जायसवाल फ्रॉम चंडीगढ़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। चंडीगढ़ से फ्लाइट लेफ्टिनेंट हीना जायसवाल भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई हैं। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स किताबें एवं लेखक। ए बुक सिंप्लिसिटी एंड विजडम रिटन बाई दिनेश सहारा वाज लॉन्च्ड एट
परमार्थ आश्रम इन कुंभ मेला लॉन्चेज बाय द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल केसरीनाथ त्रिपाठी एंड स्वामी चिदानंद सरस्वती हेड ऑफ परमार्थ आश्रम. दिस बुक इज डेडिकेटेड टू लेट वेदंती स्वामी प्रज्ञानंद जी. कुंभ मेले में परमार्थ आश्रम में दिनेश सेहरा द्वारा लिखित एक पुस्तक सिंप्लिसिटी एंड विजडम लॉन्च की गई है. पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी और परमार्थ आश्रम के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती द्वारा इसका अनावरण किया गया. यह पुस्तक स्वर्गीय वेदांती स्वामी प्रज्ञानंद जी को समर्पित है. नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, विज्ञान एवं तकनीकी समाचार. इन्फोसिस द कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट आईटी फर्म हैज लॉन्चेज ए नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्फीटीक्यू टू फैसिलिटेट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स विद बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस बाय इम्पार्टिंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स. देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी फर्म इन्फोसिस ने इंजीनियरिंग और छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान कर सर्वश्रेष्ठ शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए एक अगली पीढ़ी का डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्फीटीक्यू शुरू किया है. नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, ऑब्ड्यूरिज निधन. द बेस्ट सेलिंग ब्रिटिश ऑथर आंद्रे लेवी हु एक्सप्लोर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ जमेकियन ब्रिटिश पीपल इन ए सीरीज ऑफ नॉवल ओवर 20 ईयर्स हैज डाइड फ्रॉम कैंसर एट द एज ऑफ 62. सी वॉज नॉन फॉर पेनिंग बुक्स द लॉन्ग सॉन्ग एंड स्मॉल आइसलैंड. अपनी 20 से अधिक वर्षों की श्रृंखला में जमेका के ब्रिटिश लोगों के अनुभव का पता लगाने वाली सर्वश्रेष्ठ बिक्री वाली ब्रिटिश लेखक एंड्रिया लेवी का 62 वर्ष की आयु में कैंसर से निधन हो गया है. वह द लॉन्ग सॉन्ग और स्मॉल आइलैंड जैसी पुस्तकों के लिए जानी जाती थी. तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो भी आपका करंट अफेयर्स है. तो प्लीज़ यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करें. जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, कमेंट में डालें. यूवी कंपटीशंस को और हमारे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें और साथ ही यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.